सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है YouTube के और एक फ्रेश एपिसोड में। और आज के वीडियो हम लोग कैमरा कंपैरिजन करेंगे Asus ZenFone 5Z वर्सेस LG G7 Plus के बीच में। हालांकि मैं ये कैमरा कंपैरिजन करने वाला नहीं था, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया इस पर्टिकुलर कैमरा कंपैरिजन करने के लिए, तो इसलिए मैं इस पर्टिकुलर कैमरा कंपैरिजन को अभी आगे आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और सबसे तो पहले मैं दो बातें आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो ZenFone 5Z की लो लाइट फोटो काफ़ी अच्छी नहीं आती है, काफ़ी नॉइजी आती है, इसलिए मैंने लो लाइट फोटोज़ के लिए GCam की फोटो भी ऐड कर दिए आपके रेफरेंस के लिए। तो आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल ZenFone के कैमरे से कैसी फोटो आती है, कितनी नॉइजी आती है, और GCam के फोटो से कैसी फोटो आती है। जबकि हम लोग कंपैरिजन करेंगे तभी हम लोग ओरिजिनल फोटो ही यूज करेंगे, उसमें कुछ डाउट नहीं है, लेकिन GCam की फोटो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दी है। और LG G7 Plus में मुझे GCam का मॉड अभी भी ट्राई कर रहा हूं मैं, इसका एक अलग सा डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि काफी सारे मुझे एक दो मॉड मिल गए, लेकिन मैं सेटिंग्स ट्राई कर रहा हूं कि कौन सी सेटिंग्स बेस्ट रहेगी LG G7 Plus के GCam मॉड के लिए। हालांकि अगर आपको GCam मॉड चाहिए तो एक्सिस डेवलपर साइट पे आपको ये मॉड मिल जाएगा। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं कैमरा कंपैरिजन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और आपको कोई भी सवाल या सुझाव रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे तो पहले स्टार्ट करते हैं डे लाइट कंडीशन से। और ये ZenFone 5Z की डे लाइट कंडीशन की फोटो है, और ये LG G7 Plus की है। दोनों ही फोटो काफ़ी अच्छी आई हुई है, और ये साइड बाय साइड कंपैरिजन है, ऑलमोस्ट सिमिलर सी फोटो है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेटेस्ट अपडेट के बाद ZenFone 5Z के कैमरा में डे लाइट फोटो में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया हुआ है। इस फोटो में आपको LG की फ़ोटो थोड़ी बूस्टेड और सैचुरेटेड दिखेगी, और साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद पर्सनल चॉइस पे जाता है 5Z पसंद है या फिर G7 Plus। अभी इसमें आप बैकग्राउंड के क्लाउड्स को और ग्रास के डिटेल्स को देख सकते हो, और इस पर्टिकुलर फोटो में आप देख सकते हो, अगर साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो ZenFone 5Z में डिटेल्स ज़्यादा है। अभी ये और एक ट्रिकी फ़ोटो है, और आप देख सकते हो G7 Plus में काफ़ी ब्राइट फ़ोटो खींची हुई है। इसमें भी आपको LG G7 Plus के कलर्स बूस्टेड लगेंगे, और साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद LG थोड़ा बेटर लग रहा है। डे लाइट कंडीशन में दोनों ही फ़ोटो काफ़ी अच्छी आ रही है, कलर टोन का बस डिफरेंस है, उसके अलावा डिटेल्स थोड़ा 19-20 का फ़र्क है। इस फोटो में LG बेटर दिख रहा है, और साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद LG के कलर्स थोड़े बूस्टेड लगते हैं, जबकि ZenFone के कलर थोड़े नेचुरल लगते हैं। भी एक ZenFone 5Z की फ़ोटो है, और ये LG G7 Plus की फ़ोटो है, वो साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद ZenFone 5Z की फ़ोटो थोड़ी बेटर लगती है। अभी हम लोग जूम करके डिटेल्स भी देख लेते हैं, तो ZenFone 5Z में डिटेल्स ज़्यादा है।
इस पर्टिकुलर फोटो में डिटेल G7 प्लस में ज़्यादा है जूम करने के बाद। अब ये ज़ेनफोन 5Z की ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो है और ये LG G7 प्लस की है, काफ़ी शार्प फोटो है ये। और साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद दोनों ही फ़ोटो काफ़ी अच्छी आई हुई है। ये पोर्ट्रेट मोड है ज़ेनफोन 5Z का और ये LG का पोर्ट्रेट मोड है, हालांकि LG का पोर्ट्रेट मोड थोड़ा ब्राइट दिख रहा है। और साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद मैं LG G7 प्लस को चूज़ करूँगा पोर्ट्रेट मोड में। अब ये फ्रंट फेसिंग फ़ोटो है ज़ेनफोन 5Z की और ये LG की फ़ोटो है। साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद दोनों ही फोन्स में काफ़ी डिटेल्स अच्छी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये पोर्ट्रेट शॉट है, इसमें LG थोड़ा बेटर दिखता है पोर्ट्रेट में, इसमें भी डेफिनेटली LG प्लस बेटर है। अभी ये ज़ेनफोन की स्टॉक कैमरा से ली हुई फ़ोटो है और ये ज़ेनफोन की G-Cam कैमरा से ली हुई फ़ोटो है लो लाइट में, और ये LG G7 प्लस से खींची हुई फ़ोटो है, तो आपको डिफरेंस पता चल गया रहेगा। अब ये स्टॉक कैमरा को साइड बाय साइड कंपेयर करते तो डेफिनेटली G7 प्लस बेटर है। जूम करने के बाद हम लोग देख सकते हैं G7 प्लस में डिटेल्स काफ़ी अच्छी है, ब्लर नहीं हो रही है। अभी ये भी स्टॉक कैमरा की फ़ोटो है और ये G-Cam से खींची हुई फ़ोटो है और ये LG G7 प्लस से खींची हुई फ़ोटो है। साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद दोनों ही फ़ोटो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही है। अभी इसमें आप देख सकते हो नॉइज़ कितना ज़्यादा है ज़ेनफोन 5Z के स्टॉक कैमरा से, और ये G-Cam में नॉइज़ कितना कम हो जाता है ज़ेनफोन 5Z में, और ये LG में काफ़ी सैचुरेटेड फ़ोटोज़ आ जाती है लो लाइट में। इसमें भी आप देख सकते हो नॉइज़ कितना ज़्यादा है स्टॉक कैमरा में लो लाइट में ज़ेनफोन से, और ये G-Cam यूज़ करने के बाद नॉइज़ लेवल बहुत ही डाउन हो जाती है और एक्यूरेट कलर आ जाते हैं। और ये LG के G7 प्लस की फ़ोटो है, तो साइड बाय साइड कंपैरिजन में LG की फ़ोटो बेटर है, लेकिन अगर हम G-Cam कंपेयर करते हैं तो G-Cam की फ़ोटो डेफिनेटली काफ़ी बेटर है। ज़ेनफोन को ये जो लो लाइट का नॉइज़ है उसको फिक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेंसर में कुछ इशू नहीं है, सॉफ्टवेयर के ऑप्टिमाइजेशन में इशू है। ये काफ़ी बूस्टेड फ़ोटो है। इस पर्टिकुलर फ़ोटो में भी स्टॉक कैमरा से आपको नॉइज़ दिखेगा ज़ेनफोन के, और G-Cam से खींची हुई फ़ोटो में आपको नॉइज़ नहीं दिखेगा। और ये LG G7 प्लस की फ़ोटो है, इसमें डेफिनेटली LG G7 प्लस काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आई होप ज़ेनफोन के नेक्स्ट अपडेट में ये लो लाइट के नॉइज़ का जो इशू है वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि जब इनिशियली मैंने ये फ़ोन ख़रीदा था तभी इतना इशू नहीं था लो लाइट फ़ोटोज़ में, ये अभी आ गया है। अब ये फ्रंट फेसिंग कैमरा का वीडियो फुटेज है 1080p 30fps। और दोनों ही वीडियो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी ये बैक कैमरा का 1080p 30fps वीडियो है और LG की वीडियो थोड़ी क्रॉप सी हो जाती है, और जब भी EIS होता है तो थोड़ी ब्लर जैसी हो जाती है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको LG G7 पसंद आया या फिर Asus ZenFone 5G पसंद आया, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।